हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है मदर्स डे पर है वीडियो। मदर्स डे तो गुजर चुका है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। हम तो हमेशा लेट ही देखते हैं, हम कौन सा टाइम हर चीज बाद में देखते हैं, मदर्स डे पर देखते हैं। इमोशनल वीडियो है, कर देता हूं मैं हमेशा, देर कर देता हूं। बड़ी अच्छी पोएट्री है अगर कोई सुनना चाहे तो। अच्छी, बहुत हमेशा देर कर देता हूं। सारे सुनेंगे, सबने सुनी हुई है, नहीं सुनी होगी। हेयर लेट्स सी 1 2 3 गो। आप ये एड स्किप मत कीजिए, देखिए इस घर में हमारे साथ क्या हुआ। मम्मी जी अब वैद्य ही कैसा रहेगा? थोड़ा ओल्ड फैशनड है, मैंने भी 20 से कुछ नाम सोचे हैं। डायरी पड़ी है देख ले। विक्रांत विदित व्योम बहू, मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से खबर मिल जाती। क्या है? हाय हाय, तेरे घर में राजा बेटा आएगा। राजा बेटा शाहरुख चाहिए कि सचिन चाहिए? मैं दुआ दूंगी। अरे नोटो बाला बंडले निकाल कि जुगी जुगी जी ये तेरा लाए। बस 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 करो, लाती हूँ नोटो बाला बंडल निकाल और मैं ही बधाइयां मांगने आऊंगी। अम्मा लड़का होगा, लड़का। क्यों, लड़की होगी तो दुआ नहीं दोगी? अगर दुआ देनी ही है तो ये दुआ दो, लड़का या लड़की जो भी हो सब ठीक ठाक हो जाए और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, समझी? पकड़ो, बढ़िया दुआ दे। राजा बेटा नहीं, रानी बेटी हुई है। किस्मत अच्छी है हमारी, इसलिए ज्यादा दूंगी। किस्मत आपकी इस बेटी की अच्छी है जो आपके जैसे घर में पैदा हो, और आज मैं शगुन लेने नहीं, शगुन देने आए हूं। इस पैसे से इसे कुछ अच्छा खरीद कर देना और कहना कि मौसी है भी है। खुद ही दे दो। ये बड़े टाइम से इशू चलता आ रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर खराब हुए हैं। बहुत बहुत बड़े नुकसान ये चीज आज भी चल रही है। ये लड़की और लड़के में डिफरेंस किया जाता है। लड़की हो तो जैसे उन्होंने कहा नहीं दे रही थी कंग्रेचुलेशन, कंग्रेच नहीं कर रही थी। लड़का हो तो ज़्यादा शायद खुशी होती है उन्हें, लेकिन ये सोच बदलनी चाहिए। लड़की हो या लड़का हो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, और लड़की और लड़के में डिफरेंसेस नहीं हमें करने चाहिए। अब जो है ना टाइम बहुत चेंज हो गया। पहले टाइम बड़ा डिफरेंट होता था और एक लड़की को एक लाइबिलिटी की तरह लिया जाता था, लेकिन अब बहुत टाइम चेंज हो गया। लड़की और लड़की में ऐसे कोई फर्क रह नहीं गया अगर देखा जाए। हर फील्ड में वो एक लाइक, और मेरा नहीं ख्याल अब कोई रीजन रह जाती है। और एक इशू जो है अभी ये अगर है भी है कुछ एरियाज में है भी, तो वो सिर्फ एजुकेशन की कमी की वजह से है। जिस एरिया में एजुकेशन का इशू है सिर्फ वहां पे ये वाला इशू अब बाकी रह गया। तो मेन अवेयरनेस
से ये इशू सॉल्व होंगे और अवेयरनेस आएगी एजुकेशन के थ्रू। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और इस तरह के जितने ये एक इशू है, इसी तरह के और भी बहुत सारे इशूज हैं हमारी सोसाइटीज़ में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मेन एजुकेशन इज़ द मेन फोकस, कि एजुकेशन से माइंड सेट चेंज होंगे और आगे जो हमारी जनरेशन आएंगी उनमें इस तरह के इशूज। आजकल के टाइम अगर हम देखें तो ये डिफरेंस तो बहुत ही माइन्यूट सा है, या है ही नहीं मेरे ख्याल से। हर फील्ड में लड़कियां जो है लड़कों को कम्पीट कर रही हैं। ये अर्बन रीजन में ना, अर्बन एरियाज में जहाँ डेवलपमेंट ज्यादा, एजुकेशन ज्यादा, लोग रूरल जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं, मेन डिफरेंस एजुकेशन का है। जिन लोगों के माइंड सेट है वो एजुकेटेड नहीं है, अगर एजुकेशन वहाँ पर पहुँचाई जा सके तो ये माइंड सेट चेंज किया जा सके। अब यस, मेरे ये एजुकेशन वाली बात करने का मकसद ये था कि जिन एरियाज में या जिन लोगों का ऐसा माइंड सेट है, हमें उनके उनके उनको बारे में बुरा सोचने की बजाय मेन रूट कॉज को देखने की जरूरत है। रूट कॉज है अवेयरनेस एंड सोल्यूशन इज एजुकेशन। तो एजुकेशन पे फोकस किया जाए अल्टीमेटली ये सोल्यूशन, ये इशू। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, इन अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आया सोसाइटीज में हमारी, मतलब पहले की सोसाइटी के साथ अगर आज की सोसाइटी को कंपेयर किया जाए तो वुमेन की रिस्पेक्ट में और उनकी जो ये डिफरेंसेस थे बॉयज के साथ, ये बड़े माइन्यूट लेवल पर चले गए। बिल्कुल, और अब इतना ज्यादा फील नहीं होता। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी ऐसा ऐसा चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सो इट वॉज वेरी नाइस मैसेज और थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो सजेस्ट करने के लिए। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके, कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट करके बताएं। और कोई और वीडियो आपने देखी हो, आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो हमारे साथ शेयर करें, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लिंक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।